वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट खतरनाक सी फिश कटलेट बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। यहाँ देखें हमारे पास फिश है जो कि मेरी सैमन है, 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास, बोनलेस है। अगर आप चाहें तो बोन के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन आपको फिर बोन हटानी होगी। तो इसको अब हम चाहे तो स्टीम कर लें, चाहे तो माइक्रोवेव में कर लें, चाहे तो किसी भी तरह इसे हमें थोड़ा सा कुक करना है। और अगर आप चाहें तो कैन वाली फिश भी ले सकते हैं, जैसे पकी हुई होती है ना, वो भी इस जगह यूज़ कर सकते हैं। तो इसे अब हम माइक्रोवेव में रखेंगे फॉर 5 मिनट्स। बाय द टाइम फिश हमारी कुक हो रही है, हम इसकी कुछ तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ देखें मेरे पास ब्लेंडिंग जार है, इसमें हम 4 डबल रोटी की स्लाइसेस को चूरा कर लेंगे। तो ये हमारा बाइंडिंग एजेंट है। ये कबाब बड़ी टेस्टी भी होती है और हेल्दी भी होती है, फिश का एक न्यू वर्जन। हमारे यहाँ डायरेक्टर साहब को बहुत पसंद है, रूखी खाएँ, चावलों के साथ खाएँ, रोटी में खाएँ, और अगर चाहे तो इसके बर्गर बना के खाएं, और फ्रीज भी अच्छे से हो जाती है ना, इजी पीजी। डबल रोटी की स्लाइसेस डाल दिया और अब इसको ब्लेंड कर लेंगे। हो गया। तो इसे अब हम एक बोल में निकाल लेते हैं। 2 अंडे फेंटते हैं पहले। ये हो गया। और अब देखें हमने अनदर एक बोल जो है वो ब्रेड क्रम्स का लिया है। ये मेरे रेडीमेड ब्रेड क्रम्स है जो कि 1 कप है। अगर आप चाहें तो स्लाइसेस और भी कर लें, वो भी कर सकते हैं और रेडीमेड भी ले सकते हैं। इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, 2 टीस्पून ड्राई धनिया, अगर आप चाहें तो रेगुलर धनिया बारीक बारीक काट लें, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, इसकी जगह आप लहसुन का टुकड़े टुकड़े करके डाल दें, 1 टीस्पून कुटी मिर्चें और 1/2 टीस्पून नमक। तो ये हमने अपना ब्रेड क्रम्स जो है वो फ्लेवरफुल सा बना दिया। तो ये रेडी हो गया। जैसे फिश हमारी आएगी तो हम मूव ऑन करेंगे। ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा, इसको इमीडिएटली ना खोलें, और अपनी तरफ यूं करके तो कभी भी ना खोलें। बेस्ट तरीका खोलने का ये है कि पहले तो इस पर आप थोड़ा सा होल्ड कर दें, स्टीम रिलीज़ हो जाएगी, और फिर अपोजिट डायरेक्शन में इसको यूं खोलें। अब इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने देते हैं। देखिए थोड़ा बहुत ये ठंडा हो गया है, तो इसमें जो पानी आ गया है उसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। तो किसी भी बर्तन में ये इस तरह से निकाल लेंगे। इसको हम इस तरह से तोड़ लेंगे, श्रेड कर लेंगे। और अगर आप कैन ले रहे हैं तो उसमें तो कभी कभी इस तरह का हुआ हुआ भी आता है। कलर जो है वो पिंक है, तो ये पकने के बाद भी ये पिंक ही रहेगी। देखिए कितने खूबसूरत पीसेस हैं, जैसे नहीं चिकन के होते हैं ऐसे। और अगर आपकी बोन वाली है तो इस पॉइंट पर आप बोन जो है सेपरेट कर लें। अब इसके अंदर हम झटपट मज़ेदार से मसाले डालेंगे, जो कि कुछ यूं हैं। 1 टेबलस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, और 1/4 टीस्पून सूखी मेथी जिसको हाथों से क्रश कर लिया है। तो ये सब चला जाएगा इसमें। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून नमक
और यहाँ हमारे पास नींबू है जो कि अराउंड 3 से 4 टेबलस्पून होगा। इनको मिक्स करेंगे। क्या शानदार खुशबूएं आ रही हैं नींबू के साथ चटपटे मसालों की। ये थोड़ा बहुत हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम बहुत सारी फ्रेश वेजिटेबल्स डालेंगे जो कि कुछ यूं हैं। ये पूरी ग्रीन मिर्च है जो कि मैंने एक काटी है, लेकिन दिखाने के लिए इसलिए रखी है कि क्रेजी है, इतनी बड़ी है, तेज़ नहीं है। तो ये एक पूरी काटी हुई है। 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट है, 4 टेबलस्पून हरा धनिया है, 1.5 टमाटो है जिसका मैंने पल्प निकाल के काट लिया था, और 1 अनियन है जो कि 1 कप के आसपास है जिसको डाइस कर लिया। तो ये सब चला जाएगा इसमें। और अब इसमें हम डाल देंगे जो डबल रोटी की स्लाइसेस हमने चूरा की थी ना, वो डाल देंगे चारों। और अब इसको हाथों से अच्छे से मिलाएंगे। तो ग्लव्स पहन लेते हैं। देखिए बड़े अच्छे से मिल गया। और अब इसमें हम बाइंडिंग के लिए 2 अंडे डालेंगे। इसको भी मिला लेंगे। और यहाँ हमारे पास एक पैन रखा है, इसका चूल्हा ऑन कर देंगे। फ्लेम हमने रखी है मीडियम लो। देखिए बड़ा अच्छा सा मिक्स हो गया है। पैन में डालेंगे तेल अराउंड 4 से 5 टेबलस्पून, और 1 आपकी मर्जी से आप जो भी ले साइज आपको जो बनाना हो। मैं बिग हैंडफुल 1 लूँगी और इसको अच्छे से बॉल बना लूँगी पहले। और बॉल को थोड़ा सा फैलाएंगे, ज़्यादा नहीं फैलाएंगे, और इसको डालेंगे अंडे के मिक्सचर में। फिर ब्रेड क्रम्स में डालेंगे। और यहाँ इसका शेप यूज़ तरह से बना लेंगे। ये इस तरह से, और आप डाल देंगे। तो बस इसी तरह से बना लेंगे। तो ये 3 जो है मैंने बड़े बड़े बनाए हैं क्योंकि इसके बर्गर बनाएंगे, और बाकी छोटे छोटे बनाएंगे जो रूखे खाएंगे या फिर रोटियों के साथ खाएंगे। चले पहला जो डाला था उसको पलटते हैं। देखिए 4 मिनट के आसपास हो गए, 2 मिनट ईच साइड। तो अब इन्हें निकाल लेते हैं। बाय द टाइम ये हमारी कटलेट उतर रही है, हम इसका एक झटपट एक सिंपल सा सॉस बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने 4 टेबलस्पून मेयो लिया है जिसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून पानी। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून किसी भी तरह का हॉट सॉस, चिली सॉस। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून नींबू, और इसको अच्छे से मिला लेंगे।
और ये हमारा सॉस रेडी हो गया। यहाँ कटलेट का चूल्हा बंद करते हैं और इसको भी निकालते हैं। थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं और यहाँ हमारा सॉस रखते हैं और ये नींबू रेडी। तो देखा कैसे झटपट हमारे ख़तरनाक से फिश के कटलेट बन गए। अब बर्गर बना के खाएंगे बड़े बड़े से, और छोटे वाले रूखे भी खा सकते हैं, और मुझे तो चावलों में भी पसंद है। तो चलो मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी होंगे डेफिनेटली। और ये सॉस, नींबू, आउटसाइड इस कदर क्रिस्पी है और अंदर से फुल ऑफ फ्लेवर, जूसी, सॉफ्ट, फ्लेवरफुल। आप बिलीव नहीं कर सकते कि कितना ख़तरनाक है, और आप जब किसी को देंगे ना उनको समझ में ही नहीं आएगा कि फिश की कटलेट है। माइंड ब्लोइंग। आप लोग के लिए तो खाना बनता है। आउटर लेयर है ना वो, और उसका अंदर का कॉम्बिनेशन माइंड ब्लोइंग लग रहा है। बना बनता है, आपके पास जो भी फिश हो उससे बनाए, मज़ा आ जाएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।